पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बयान बदलने के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ सामने आया है। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला के पति ने आज एसएसपी और डीआईजी से मुलाकात करके अपनी पत्नी को बंधन मुक्त कराने की गुहार लगाई है। महिला के पति ने अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए बयान को दबाव में दिया गया बयान बताया है। महिला के पति ओम प्रकाश का कहना है कि महिला के कहने पर ही अधिकारियों से उसके साथ हुए दुराचार की शिकायत करने अधिकारियों के पास गई थी, लेकिन अब उसने अपने बयान बदल दिए हैं, जिसे महिला के पति ने दबाव में दिया गया बयान बताया है। ओम प्रकाश का कहना है कि उसके दो बच्चे हैं और उसकी पत्नी को बंधन मुक्त कराया जाए। महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने ही अपने होश और हवास में रहकर पहले भी एक बयान दिया था, जिसका वीडियो भी रिकॉर्ड है, लेकिन महिला का पति अब इस बयान को दबाव में दिया गया बयान बता रहा है। सर, मेरी बेबी को सचिन चौहान गांव का, ये मेरे विपत्ति अब से दो महीने पहले ले गया, दो महीने तक रखा, उसके बाद फिर उसमें जो शिव कुमार ने उसके साथ दिया है, गांव के पुराने हमारे, और उसके बाद फिर वो मेरे पास ला कर छोड़ा दो महीने बाद रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद फिर उनने मुझसे बोला कि उनने मेरे बहुत गंदे अंदर कहीं मैं धोखा दिया है, तो मैं उसके खिलाफ एफ आई आर दूँगी। उसे फ़ोन लगाया, उनने फ़ोन लगाई कि मैं तेज नहीं रखूँगा और मैं अब अपने तो छोड़ा अपने, और उनने कही कि तुम मेरे साथ साथ करा, उन्होंने कहा ना करूँगा दी। उसके बाद फिर उनने फ़ोन करा, उसका मुझसे बोली कि चलो मैं उसके खिलाफ़ FIR दूँगी। मुराबाद में लेके आई, खुद उन्हें अपनी मर्जी से FIR दी है, और जैसे वो बयान दे रही है सब बाबा झूठ है, उन्होंने खुद अपनी मर्जी दिया FIR, और इसमें का सचिन उसके कब्जे में है, सचिन चौहान के कब्जे में है, और वो इसका शिव कुमार है और इसके ललित कोशिश के, इनके तीनों आदमियों के कब्जे में है वो। अब मेरे खिलाफ झूठे बयान दे रही है, वो गलत है। ये बात जो उन्होंने दी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से दी एप्लीकेशन। तो वहीं इस मामले में महिला के द्वारा रंजीत सिंह पर लगाए जा रहे आरोप पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसे एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। रंजीत का कहना है कि उसके पास पति और पत्नी दोनों आए जरूर थे, जिसके बाद दोनों को उसने पुलिस के पास भेज दिया था, लेकिन अब षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया जा रहा है। मेरे संज्ञान में आया है कि वो महिला मुझ पर आरोप लगा रही है, मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं। भाई, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा वार्ड 32 से, मेरा काम जनता की बात सुनना है और उनका निस्तारण करना है। वो मेरे पास आई, मैंने उसे भेज दिया SSP साहब के यहाँ कि आप अपना विषय SSP साहब को रखो, फिर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ग्राम प्रधान पति जो शिव कुमार है, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है, तो मैंने मेरी भाभी प्रधानी का चुनाव लड़ी थी, तो मैंने इसके विकास कार्यों की जाँच कराई है, उसमें इसकी कमियाँ पाई गई हैं, 15-16 लाख का गबन है उस पर, तो ये मुझे बदनाम कर रहा है मेरे, और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की छवि भी धूमिल कर रहा है। हाँ, मैं जब मेरे पास कोई आएगा तो मैं अपनी बात रखूँगा, और मेरा तो लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, तो पार्टी के काम में मैं बिजी रहता हूँ, और मेरे पास अगर कोई अधिकारी आएगा तो मैं अपना विषय रखूँगा, मेरा कोई लेना देना है नहीं इससे। मेरा इतना ही लेना देना है कि मेरे ग्राम पंचायत मुंडा पांडे की रहने वाली है, और इसका जो पति है, इसके तीन बच्चे हैं, अगर ये दोनों आपस में मिलकर रहें पति पत्नी, तो बहुत अच्छा होगा। तो वहीं इस मामले पर जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि महिला ने सच्चाई मीडिया के सामने रख दी है, महिला हमारे संपर्क में नहीं है, गांव के प्रधान के साथ महिला आई जरूर थी, हमें तो पता भी तब चला जब वो अधिकारियों के पास बयान देने पहुंची थी, तभी हमने कहा कि ये बात भी मीडिया के सामने जरूर बता दे। उसके बाद महिला ने अपनी बात मीडिया के सामने रख दी, जिसके बाद वो महिला प्रधान के साथ चली गई। ने उनके खिलाफ FIR दिया, सकम दिया, जो अब बयान दे रही है वो सब बात गलत के झूठे बयान है। तो उन्होंने मेरे साथ को कहा रखा, वो खुद ही मुझसे ये बोली थी कि मुझे इन लोगों से खतरा है, मैंने इनके खिलाफ FIR दिए, तो मुझे खुद ही संग में लेकर समय भागती रही वो, और अब इन लोगों के खिलाफ दे रही है वो जो गलत बात बयान दिया, रंजित भाई हैं वो हैं, इनके सब ये सब बात झूठे हैं सर। मेरे साथ को मैं अपने मैं के साथ भी खा रही थी 20 अक्टूबर को जी, जब मैं अपने घर पहुंचने वाली थी। कहाँ पर? अपने घर से थोड़ी बाहर थी, जहाँ पे बाजार है, मेले वाला दिन था, भीड़ भाड़ थी अच्छी खासी। कहाँ? मुंडा पांडे। हाँ, मुंडा पांडे। अच्छा। इतने में मेरे पास सचिन आया, सचिन चौहान वाइट कलर की गाड़ी लेके, और शिव कुमार जी आए। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी किसकी थी? शिव कुमार की गाड़ी थी सफेद कलर की,
और उन्होंने गाड़ी में बिठा ला और मैंने हल्ला मचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया। मुझे हल्ला मचाने नहीं दिया, मुझे चुपचाप करके गाड़ी में बिठा दिया। यहाँ से वो लोग मुझे काशीपुर ले गए। काशीपुर ले जाके मैं जबरदस्ती बस में चढ़ाया सचिन चौहान के साथ, वहाँ भेज दिया चंडीगढ़। एक रात मुझे चंडीगढ़ में रखा, वहाँ पर मेरे साथ गलत काम किया सचिन चौहान ने। और वहाँ ले जाने के बाद उसके बाद हिमाचल लेके पहुँचे, वहाँ एक रूम लिया और वहाँ जाकर जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। मैंने मना करने की मना करा तो मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी। फिर उसके बाद मुझे हिमाचल वहाँ लेके गए लुधियाना, एक महीना 20 दिन रखा मंजीत। लुधियाना में कहाँ रुकी? लुधियाने में रुकी थी मैं, 10 नंबर गली मंजीत नगर में। अच्छा। फिर उसके बाद इन्होंने एक महीने 20 दिन के बाद अपनी मौसी के घर बुलाया, सचिन की मौसी के घर बुलाया। वहाँ पे सचिन चौहान ने कहाँ पर धनुपुरा बुलाया सचिन की मौसी के घर, वहाँ पे मैं आई। सचिन ने मेरे साथ वहाँ भी गलत काम किया। और उसके बाद प्रधान जी को बुलाया, शिव कुमार को, उनके साथ दो लोग थे लेकिन मैंने जानती नहीं, देखूंगी तो पहचान लूंगी। और इन्होंने मेरे साथ वहाँ पे गलत काम किया और गलत काम करने के बाद में रेलवे स्टेशन पे लाके मुझे छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए छोड़ के। मेरे पति ड्रिंक व्रिंक करते हैं, नशा करते हैं। और हमारे गांव के कुछ लोग हैं जैसे कि बबलू रंजीत और यशपाल और रामवीर सिंह नेताजी, ये सब इन्होंने मतलब मुझसे झूठी एप्लीकेशन बनवाई मेरे पति को पैसे का लालच वालच दे के। और बबलू गए थे हमारे घर पे 8 तारीख को, 7 तारीख से मतलब 7 तारीख की रात को आए थे, 8 तारीख को फिर गए और मुझे मुरादाबाद बुलवाया मेरे पति के साथ। मैं अपने पति के साथ मुरादाबाद गई थी, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और वो मुझे मुरादाबाद लेके आए और वहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे हुए, यशपाल बेलमान और बबलू रंजीत और रामवीर सिंह नेताजी, सब लोग ही इकट्ठे हुए और इन्होंने आपस में कोई सलाह बनाई जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन और एप्लीकेशन बनवा कर मुझसे दिलवा दी, जगह जगह सब जगह दिलवा दी जहाँ पे इन्होंने दिलवानी थी, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।